वाला कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ तो फोन कैमरे सेल्फी ले रहा हूँ। अरे अरे क्या है ये। तो दो दिन पहले जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा पानी आ गया था तो वो पूरा अभी साफ किया मैंने। शायद एंड इज लुकिंग pretty clean now. ये स्पेशली जो बॉक्स था हमने डे वन से यहीं पर रखा था। मैं कब से बोला इसको हटा 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 तो नेचर ने हमको बोला चल भाई अब इसको हटाओ। तो ये पूरा जगह घेर के बैठा था। एंड कार्डबोर्ड क्या होता है जब उसमें पानी आता है तो स्मेल करता है तो मुझे वो नहीं चाहिए था कि वो स्मेल करे। एक बार स्मेल बैठ जाएगी तो फिर वो जाने को बहुत टाइम लगता है ना। आई हेट दैट डर्टी स्मेल ओवर हियर। तो अभी खिड़की विड़की खोल दी है, इसको नहीं खोला है बिकॉज ये बहुत खटकुट खटकुट करता है। अदर देन दैट सो फार सो गुड। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इसके अंदर भी पानी थोड़ा चले गया है। याद रखो जिंदगी में कोई भी आपको अपनी कमजोरी नहीं बताता। मुझे पता था मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मुझे पता था टेल मी योर थ्री वीकनेसेस। मैंने एकदम बीएस आंसर दिया था कि आई लाइक माय हेड टू बी सेट ऑल द टाइम, आई एम ऑब्सेस्ड विद परफेक्ट थिंग्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑब्सेशन और वीकनेसेस में फर्क होता है। जैसे कि मेरी वीकनेस मैंने आपको बताया था, वीकनेस था मेरा गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड गुस्सा। ये शॉर्ट टेम्पर्ड वाले लोग ना मुझे बताने से बहुत सारे लड़के इसलिए बोल रहा हूँ, ये बहुत गंदी चीज़ होती है। आपको तुरंत मतलब आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा एक शॉर्ट में। तो उसको मैंने पिछले तीन साल से उसको कंट्रोल करना सीख रहा था। फाइनली ऐसा लग रहा था कि मैं सीख गया हूँ। आफ्टर मैरिज तो स्पेशली शानिन ने बहुत हेल्प किया। एक्चुअली गुस्सा कंट्रोल करने का टेक्निक क्या होती है पता है? आपको गुस्सा दबा के नहीं रखना है, आपको अपने आप को रीजन ही नहीं देना है कि आप गुस्सा हो। दबा कर रहोगे ना तो बिल्टअप होगा और जब निकलेगा ना तो बहुत बुरा निकलेगा। तो अभी मैं अपने आप को रीजन देता हूँ कि भाई गुस्सा होना ही नहीं है, गुस्सा हो गया कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ दिनों पहले मैं कंप्यूटर पर कुछ कर रहा था, वर्ड समझो तुरंत गुस्सा आया। गुस्से में क्या किया मैंने, ये सीधा फट इधर गलती से ऐसा बोलते ना अपन ऐसा करते, मैंने ऐसा कर दिया और ये देखो ये दिख रहा है, ये मेरा चीज ये टूट गया। और मुझे ऐसा लगा क्या यार अभी भी वीकनेस गई नहीं। ये मैं कैमरे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को और एक रीज़न दूँ कि देखो भाई मैं जब भी ऐसा कुछ करूँगा तो मुझे कैमरे में बोलना पड़ेगा चीज़ें तोड़ूंगा। तो आई एम सॉरी सॉरी यीशुस, आपने मुझे इतने प्यार से दिया था इसका ये, क्योंकि ये केस इंडिया में उस टाइम अवेलेबल नहीं था। अगर किसी को पता है इसका कौन सा मॉडल है, मुझे पता नहीं इसका फ्रंट कहीं मिलता है तो प्लीज़ मैं ऑर्डर कर लूँगा। वैसे तो यीशुस से बात करूँगा मैं, बट स्टिल सही है गाइस, गुस्से को दबाओ मत, अपने आप को रीजन ही मत दो गुस्सा होने का वरना नुकसान हो जाएगा। ओके सो मेरा MRI स्कैन के लिए मैं आया था, वो हो गया है। शोल्डर में कोई सीरियस चीज़ नहीं है उसके लिए, नो इट्स बेटर टू डू दैट। ये सब बोरिंग पार्ट में आपको क्या बताओ, आप बोलोगे क्या सेम रिपीट हो रहा है। तो मुझे ये सब चीज़ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन यार कितना टाइम लगता है ये सब चीज़ का। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब आप कुछ भी चीज़ नहीं शूट कर सकते, चुपचाप ऐसा निकाल सकते, बट फिर कोई मतलब नहीं। तो ये शानिज मेरा शानिज निकाल, नो वाला अरे मेरा तो निकालने में कहना नॉट अलाउड यार, रूल मेरा ठीक है भाई तुम्हारा रूल, तुमको मुबारक। हम लोगों को कुछ पार्सल आया था, ये आई थिंक किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है बिकॉज लव योर व्लॉग्स मोनू एंड अरुण। तो थैंक यू मोनू एंड अरुण, आपने गलत एड्रेस दे दिया था बट ठीक है कोई नहीं, हम तक सामान पहुंच चुका है। और जब लेके आ रहा था तो बैलेंस बिगड़ा और गिरते गिरते बच गया हमें, बट चलो कोई नहीं हो जाता है, झटका आते रहते हैं। अभी हमने ये आलमंड क्लोजर लिया है इस गुड न्यूज के लिए। और शानिज बना रहा, सॉरी मैं बना रहा हूँ, अभी मैं बना रहा हूँ। यू आर टीचिंग मी टू मेक मेरे को मैं ब्लैक कॉफी बनाता हूँ। शानिज टीचिंग मी द हर वे ऑफ मेकिंग ब्लैक कॉफी, व्हिच इज द वे यू लाइक, द वे व्हिच आई लाइक, आई लाइक हर अमेरिकन ब्लैक कॉफी। यू आर डन ना? शानिज के पास मेरा कैमरा था पिछले दो घंटे से, क्योंकि अपेरेंटली वो कुछ तो एक घंटे से क्योंकि कुछ तो गूगल सर्च करी थी, उसमें आया कि कैमरा बहुत अच्छा है। मैंने तो आज तक पता नहीं था तेरे पति की वजह से कैमरा मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ। तो बोला आई वांट टू ट्राई मेकिंग सम वीडियो, उसमें मेरा कैमरा लिया था अभी मुझे वापस दिया है। ये इसकी बहुत गंदी आदत है, पूरा तूने लेंस पे चिप चिप कर दिया। ना कि ये ड्रोन है, ना कि ये कैमरा है, ना कि ये लेंस है, मुझे खुद को नहीं पता है क्या है। शानिज से कुछ तो ऑर्डर किया था, खोल के देखते हैं। बहुत ही सीरियसली शानिज बोली प्लीज एक बार जरा कैमरे के सामने अनबॉक्स करना जो मैंने ऑर्डर किया। मतलब कसम से क्या हंसने वाले लोग यार, मेरा मीम भी माँ कसम मेरे को। ये देखो क्या ऑर्डर है, वाह गाइस बाल्टी, हमारी बाल्टी आ गई है बिकॉज हमारे घर में बाल्टी और मग्गा नहीं था। आई होप ये सब्सक्राइबर ने कोई ऐसी चीज़ भारी तो लग रही है ऐसी चीज़ भेजी हो जो कि थोड़ा वर्थ रहेगा। हैंड वॉश ये तूने ऑर्डर किया है तो नीचे क्यों लिखा है? अच्छा तो ये सब्सक्राइबर ने नहीं भेजा है, ये शानिज ने ऑर्डर किया है लेकिन किसी ने हमारे बिल्डिंग में से लिख दिया लव योर व्लॉग्स। यही मैं बोलूँ यहाँ पर मेरा एड्रेस दिया है, शानिज का नंबर दिया है, तो उसने कैसे किया? कमाल करते हो पांडे जी, बट स्मार्ट मूव है।
सो ये शैनिस ने ऑर्डर किया है और ये भी शैनिस ने ऑर्डर किया है रिफिल पैक. ब्लॉग की क्वालिटी ड्रॉप हो रही है मेरी शैनिस, चैनल खतरे में. सो शैनिस वांट्स दिस मेमोरी कार्ड क्योंकि शैनिस ने यूज़ किया लेकिन वो ट्रांसफर करना भूल गई. यस. फिर मैं कैसे ब्लॉग करूँगा? दो मिनट में दे रही, दो मिनट में. ओह और एक चीज आ गई, क्या है शैनिस बता जरा. तेरे को चाहिए था क्या? न्यू लेंस होल्डर. हां टूथब्रश होल्डर. टूथब्रश होल्डर, ए भगवान. तूने बोला था मुझे नहीं है. ए मां माता जी. क्या दिन आ गया गाइस. अब देख सकते हो यहां पर हमारे ब्रश आएंगे, यहां पर हमारा पेस्ट आएगा और यहां पर मेरा शेविंग का किट भी आएगा. वाओ दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेक्स्ट लेवल टेक. रिव्यू कोई नहीं कर रहा है, रिव्यू नहीं कर रहा हूँ मैं, सकास्टिकली खुद को बोल रहा हूँ मैं. टाइम आएगा ना फिर से बाइक या गाड़ी लेके बाहर जाऊँगा मैं अपनी राइड पे, तब बोलूँगा गाइस बीच में क्या दौर आया था, क्या क्या खोल रहा था. अभी फिर से मैं अपना बाइक का पार्ट खोल रहा हूँ, अनबॉक्स कर रहा हूँ जो कि 10 दिन में आने वाला है. मस्त है यार आपको. फोटो लू क्या इधर से? नहीं नहीं फोटो अभी अंधेरे में क्या फोटो लेगी. चला जब भी वीडियो में कुछ बोलता है उसको उल्टा ही होता है. तब मैं बीकेसी आए एलिमेंट्री कॉफी लेने के लिए, बोलता है बंद बंद, मैं चालू तो है, बोलता है ऑर्डर ऑनलाइन. मैं बोला कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था. हाँ तो फोन कैमरे सेल्फी ले रहा हूँ. अरे अरे क्या है ये, इसीलिए कभी हमारा देश तरक्की नहीं करेगा. पता है यही कभी कभी मुझे प्रॉब्लम लगती है. मतलब मैंने उस दिन फ़ोन से ब्लॉग किया, किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी मैं इस कैमरे से ब्लॉग कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए फोटो है ये, जिससे मेरा कभी कभी मूड ख़राब होता है. मैं दुनिया के किस किस कोने में गया हूँ, कैसे कैसे कंडीशन में ब्लॉग किया है. इट इज़ अ राइट टू यूज़ अ कैमरा, लेकिन यहाँ इंडिया में नहीं, अलाउड नहीं है. सॉरी थोड़ा मैं इरिटेटेड लग रहा हूँ, बिकॉज मैं इरिटेटेड हूँ यार. पता नहीं कौन सा मेरा क्या बोला तूने? वापस बोल. दैट यू शुड बिकम अ टकलू. शैनिस बोल रही है कि फ्यूचर में मैं टकला हो जाना चाहिए. कैसे टकला हो जाऊंगा, क्यों टकला हो जाऊंगा, क्यों चाहिए? मजा आएगा उसको देखने का, टकला देखने का मेरे को. डोंट वरी वो किसी ने फोटोशूट भी किया है, कल मुझे कौवा बना दिया तूने इंस्टाग्राम में. एनीवेज गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. अगर वीडियो अच्छा लगा डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो, डू कॉमेंट योर ब्यूटीफुल थॉट, पढ़ने में बहुत मजा आता है. विद दैट सेड एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट. आई लव यू फ्रेंड्स. बाय बाय. निकल आया सरप्राइज फॉर यू. ठीक से देख. ये क्या? I really shocked him. Collect that. Really?